हेलो डियर लर्नर्स, टुडे वी विल रीडिंग द चैप्टर 7 ऑफ ज्योग्राफी, ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न्ड दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बट विद टाइम दे लर्न्ड न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे, आदि मानव था, वो पूर्ण रूप से कपड़ों के लिए, भोजन के लिए, रहने के लिए प्रकृति पर ही डिपेंड था। लेकिन धीरे धीरे उसने नई स्किल्स को सीखा और नई तरीके से भोजन बनाना, घर बनाना और जो यातायात के संसाधन थे उनके बारे में तथा बोलचाल के बारे में उसने सीखा। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड, और इस प्रकार से उसने एक नए वातावरण को जन्म दिया जिसमें वे रहते थे। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स वो स्थान है जहाँ पर लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। आदि मानव उस समय पेड़ और गुफाओं पर रहता था। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, जब उसने फसलों को उगाना सीखा तो उसके लिए परमानेंट घर बनाना आवश्यक हो गया। द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर्स, अधिकतर जो सेटलमेंट थे वो नदियों की घाटियों के पास थे ताकि उन्हें अच्छी प्रकार से पानी और भूमि उपलब्ध हो सके जो कि उपजाऊ हो, खेती अच्छी हो सके। और धीरे धीरे व्यापार, वाणिज्य और जो मशीनी युग था जिसमें कि मशीनों का आविष्कार हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर। तो इस कारण से धीरे धीरे जो ह्यूमन सेटलमेंट थे वो बड़े से बड़े होते गए। सेटलमेंट फ्लोरिस्ट एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज, अधिकतर सेटलमेंट और जो सभ्यताएं थी वो नदियों की घाटियों के आसपास ही विकसित हुई। क्या तुम्हें किन्हीं अन्य सभ्यताओं के नाम पता है जो कि इंदस नदी, टिग्रिस, नील और पांगहो के नज़दीक पैदा हुई? सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऐसे सेटलमेंट जो कुछ समय के लिए ही होते हैं उन्हें हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। और जो घने जंगल होते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पर लोग कुछ समय के लिए रहते हैं तो इन्हें हम टेम्परेरी सेटलमेंट के अंतर्गत जानते हैं। ये लोग यहाँ पर शिकार करना और जंगलों से कुछ विशिष्ट चीज़ों को इकट्ठा करना, शिफ्टिंग, खेती करना और जब बहुत ठंडा हो तो दूसरे स्थान को चले जाना आदि कार्य करते हैं। हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टूडे आर परमानेंट सेटलमेंट, आज अधिक से अधिक परमानेंट सेटलमेंट हैं और ये सेटलमेंट लोगों को परमानेंट घर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिनमें लोग रहते हैं। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, मैरी का बर्थडे था। शी एंड हर फ्रेंड वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत, और वो तथा उसकी जो अन्य फ्रेंड थी वो गुरप्रीत के आने का वेट कर रही थी ताकि वो केक काट सकें। गुरप्रीत जब पहुंची तो वो थकी हुई थी और उसे खांसी भी आ रही थी। शी एक्सप्लेन देयर द ट्रैफिक जाम, उसने बताया कि ट्रैफिक जाम जो था बहुत कठिन था जिससे कि उसे देर हुई। मेरी मदर मिसिस थॉमस पिटेड, गुरप्रीत की पीठ थपथपाई उसकी माँ ने जिनका नाम मिसिस थॉमस था। ओ पॉल्यूशन इन अवर सिटी, और प्रसाद ने कहा कि हमारे शहर में पॉल्यूशन निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन पॉल्यूशन गांव में कम होते हैं शहरों की अपेक्षा, और शहरों में निरंतर व्हीकल्स के इम्प्रूवमेंट के कारण, उनकी नंबर में ग्रोथ के कारण बढ़ते ही जा रहे हैं। मिसिस थॉमस रिप्लाइड, मैरी आस देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटी, तब उन दोनों ने आपस में बातचीत करके कहा कि शहरों की ओर लोग फिर क्यों आते हैं जब इतना पॉल्यूशन है। उसकी माँ ने उत्तर दिया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, कि ये लोग जॉब्स की तलाश में और अच्छी शिक्षा के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर आते हैं। इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज, वेयर विल ऑल द पीपल लिव, इस पर सवाल किया गया कि अगर यहाँ पर लोग जो हैं सिटी की ओर आते हैं तो वे रहते कहाँ हैं। मिस्टर थॉमस ने कहा, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स, रहने के स्थान की कमी के कारण आप शहरों में जब आते हो तो देखते हो कि कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ और
गंदे इलाकों में लोग रहने के लिए मजबूर होते हैं, जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, शॉर्टेज ऑफ पावर, बिजली की कमी होती है, पानी की कमी होती है और भी बहुत सारी समस्याएं शहरों में होती हैं। प्रसाद सेड अवर विलेजेज मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल। प्रसाद ने कहा हमारे गांव में बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं हैं और वेल स्टैंडर्ड स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस। लेकिन हमारे पास ताज़ी हवा है, खुला मैदान है जहाँ पर हम सांस लेते हैं। वैन माई ग्रांड फादर वॉज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। जब मेरे दादाजी बीमार हुए थे तो गांव में हॉस्पिटल ना होने के कारण हम उन्हें शहर में हॉस्पिटल में लेकर आए थे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शहरों और गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस प्रकार की सुविधाएं हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट। जो मैरी और उसके पिता के बीच, परिवार के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ, तो उससे आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से अर्बन और रूरल सेटलमेंट होते हैं। विलेजेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर। जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादातर खेती में, मछलियां पकड़ने में और जंगलों से कुछ चीज़ें एकत्र करने में, क्राफ्ट वर्क और कुछ व्यापार करने में इंगेज रहते हैं। शहरों में लोग जो हैं आसपास ही रहते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। ए कम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स। कम्पैक्ट सेटलमेंट के अंतर्गत जो घर होते हैं वो क्लोज होते हैं और समतल मैदानों पर बने हुए होते हैं। इन्हें स्केटर सेटलमेंट, और जो स्केटर यानी दूर दूर होना, जो घर दूर दूर होते हैं उनमें बीच में जगह काफ़ी छोटी रहती है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक। और इस प्रकार के सेटलमेंट जो हैं ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो घने जंगल होते हैं और जहाँ पर अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी होती है, तो ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। जो रूरल होते हैं तो वहाँ पर लोग अपने सुविधाओं के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं। जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ पर जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, ताकि पानी जो है आसानी से नीचे की ओर चला जाए। और जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो ऐसे इलाकों में ज़मीन से उठे हुए घर बनाए जाते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थेस रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। मोटी मड की दीवारें बनाई जाती हैं, ऐसे घर पर छप्पर की छत होती है, और ये जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी या सर्दी होती है ऐसे इलाकों में बनाए जाते हैं। लोकल मटेरियल्स, जो स्थानीय मटेरियल्स होता है, वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं, तो वहाँ पर पत्थर, मड, क्ले, स्ट्रॉ आदि से घर बनाए जाते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। जो नगर होते हैं वो छोटे होते हैं और शहर जो हैं बहुत बड़े होते हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज। शहरों में लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज में, व्यापार में इंगेज रहते हैं, और इसके अलावा भी सरकारी और प्राइवेट नौकरियां भी करते हैं। क्या तुम अपने राज्य के कुछ गांव, नगर और शहर के नाम बता सकते हो? ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाई विच पीपल एंड गुड्स मूव। यातायात के साधनों के द्वारा लोग और सामान एक से दूसरे स्थान को मूव करते हैं। प्रारंभ में लोगों को कहीं जाने के लिए, यात्रा करने के लिए बहुत समय लगता था। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स। और लोग जाने के लिए तथा सामान कैरी करने के लिए जानवरों का यूज करते थे। जब से पहिए का आविष्कार हुआ तब से यातायात सुगम हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ यातायात के संसाधनों में भी विकास हुआ, लेकिन आज भी लोग ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं कहीं पर एनिमल्स का यूज करते हैं। इन अवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। हमारे देश में डंकी, म्यूल्स, बुलक्स और कैमल जो हैं वो कॉमन हैं, जिनसे सामान कैरी किया जाता है। इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत पर लेम्स आर यूज, लेम्स का उपयोग किया जाता है। एज आर याक इन टाइबेट और तिब्बत में याक का उपयोग होता है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स। दूसरे देशों से
आने जाने के लिए प्रारंभ में मनुष्यों को और व्यापारियों को बहुत समय लगता था और भारत पहुंचने में उन्हें कुछ महीने लग जाते थे। उन्होंने बाद में सी रूट से आना जाना सीखा। वे व्यापार करने के लिए लैंड या सी रूट का उपयोग करते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर। एरोप्लेन से यात्रा और भी सुगम हो जाती है और कुछ ही समय में हम एक से दूसरे स्थान को पहुंच जाते हैं। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 आवर्स। आजकल भारत से यूरोप जाने में केवल 6 या 8 घंटे ही लगते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आधुनिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने उनसे हमारा काफ़ी समय और ऊर्जा की बचत होती है। मुख्य रूप से जो मेजर ट्रांसपोर्ट हैं उनमें रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज हैं। तो पहला है रोडवेज यानी सड़क मार्ग। द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। जो बहुत कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो उनमें सड़कें जो हैं लंबी दूरी के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। छोटी दूरी पर भी सड़कें बनाई जाती हैं। दे कैन बी मेटल्ड। सड़कें कच्ची या पक्की होती हैं यानी मेटल्ड और अनमेटल्ड। द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। मैदानों में सड़कों का काफ़ी नेटवर्क होता है और ये सड़कें टेरेन पर बनाई जाती हैं। डेजर्ट, फॉरेस्ट और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय पर्वत में मनाली लेह हाईवे सबसे ऊंचा वर्ल्ड का रोडवेज है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड। और ऐसी सड़कें जो अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं। फ्लाई ओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर्स। जो फ्लाई ओवर बनाए जाते हैं वो ऊंचे उठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं। अगला है रेलवे यानी रेल मार्ग।